बात मध्य पूर्व में महायुद्ध के बढ़ते खतरे की और उस खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति फॉर्मूले की। रूस यूक्रेन ही नहीं, मध्य पूर्व में क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शांति फॉर्मूला? हिजबुल्ला पर इसराइल का भीषण जवाबी हमला। रविवार को रॉकेट हमलों से तहल उठा था इसराइल, अब हिजबुल्ला के आतंकियों से ले रहा है बदला। मध्य पूर्व में महायुद्ध भड़कने का बड़ा खतरा। मोदी की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मुलाकात। मोदी ने दिया मध्य पूर्व में शांति का सबसे बड़ा फॉर्मूला, क्योंकि इस वक्त जब इसराइल और लेबनान के बीच जो आतंकी संगठन है वहां का हिजबुल्ला, उसके बीच जंग सबसे खतरनाक दौर में है, तब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बैठक के लिए दुनिया भर के नेता चर्चा के लिए इकट्ठा है। एक तरफ इसराइल लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई नेताओं के अलावा फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। इसराइल अपने इलाकों में हिजबुल्ला के हमले के साथ साथ गाजा से अपने बंधकों की लगातार रिहाई की मांग कर रहा है। वहीं उसने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी एक बड़ा सैन्य अभियान चला रखा है। इस बीच महमूद अब्बास से मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति का एक नया फॉर्मूला पेश किया। उन्होंने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता जताई, लेकिन साथ ही बंधकों की रिहाई भी होनी चाहिए ऐसा कहा। उन्होंने संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई और बातचीत की अपील की।